हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं 20 सितंबर की शाम आपके अपने शहर जौनपुर, जहां पर अभिषेक सिंह जी ने पहली बार गणपति विसर्जन की शुरुआत की है। हम सब मिलकर खूब सारी मस्ती और धमाल करेंगे और साथ में कहेंगे गणपति बप्पा मौर्या। सी यू ऑल देयर, लव यू ऑल गाइस। 20 सितंबर की शाम मत भूलना। जय हो जौनपुर वालों। मेरे भाई अभिषेक सिंह जी ने पहली बार गणपति विसर्जन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जौनपुर में, तो मैं आ रहा हूं वहां पे गणपति बप्पा मौर्या करने आप सबके साथ 20 सितंबर को। भूलिएगा मत जौनपुर वालों, गणपति बप्पा मौर्या। कि मैं ये समझा सकूं कि इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए, किस वजह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सब लोग जानते हैं मैं यही जौनपुर का रहने वाला हूँ, किराकत तहसील पड़ती है, वहाँ डसौली गांव है, मेरे पिताजी वहीं पैदा हुए और फिर पुलिस सेवा में, स्टेट पुलिस सर्विस में उन्होंने सेवा दी, फिर भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोशन हुआ, आईपीएस ऑफिसर बनकर के रिटायर हुए और उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी आईएएस अधिकारी बनने की। मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ और मैं उनका बहुत अनुसरण करता हूँ। जब भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा आदर्श कौन है, तो मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मैंने उनको 24 घंटे जनता की सेवा में देखा। उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण किया गांव में और आज करीब 2000 कितने साल हो गए, 25 साल हो गए आज उसका निर्माण हुए, उसके प्राण प्रतिष्ठान हुए। तो वो हमेशा मैं उनसे पूछता था कि आप मंदिर का निर्माण क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो रहते भी नहीं हैं जौनपुर में, तो क्यों कर रहे हैं। तो हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अब पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखे होंगे तो इंडिया के कई लोग, भारत के कई लोग ने विश्व पटल पे अपना नाम बहुत ऊंचा किया है, भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है, देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। अभी G20 जब समिट हुई तो आपने देखा कि ऋषि सुनक जी आए हैं, अभी मॉरिशस के PM साहब आए हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं। वहाँ से ऋषि सुनक जी ने आकर के यहाँ पर मंदिर में दर्शन किया। क्यों किया उन्होंने आकर के, वो मंदिर तो वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी दर्शन कर सकते थे, भारत में आकर के दर्शन करने का क्या प्रयोजन है। वो इसलिए कि वो भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहते, वो भी अपने मूल को नहीं भूलना चाहते। और जब आप अपने मूल को याद रखते हो तो आपकी उन्नति दिन दोगुनी, दुगनी या रात चौगुनी पड़ती है। आप और ज़्यादा शक्तिशाली होते हो और समृद्ध होते हो और ऊपर वाला आपको ये शक्ति देता है कि आप दूसरों की ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव ला सको, कुछ चेंजेस ला सको, कुछ खुशियाँ दे सको। मेरा पैशन एक्टिंग भी है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के साथ साथ मैंने कोशिश करी कुछ बॉलीवुड में जा कर के थोड़ा बहुत करने की। कुछ मैंने म्यूजिक वीडियोस किए, कुछ वेब सीरीज की, कुछ फिल्म्स की, फिल्म अभी रिलीज होने वाली है मेरी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बॉम्बे में जौनपुर के तकरीबन 5 लाख लोग रह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और 5 लाख लोग आप सोचो एक शहर के रह रहे हो कहीं पर, और वो शहर आज भी पिछड़ा हुआ नहीं माना जाए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक शहर के इतने लोग, अभी कोई मुझे बता रहा था कि जो मुस्तफ़ा मॉल है सिंगापुर का, उसके भी जो ओनर है वो जौनपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ से लोगों ने जाकर के कितनी प्रसिद्धि पाई, कितनी समृद्धि पाई, बट जौनपुर जिले ने उतनी समृद्धि अभी नहीं पाई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जाए, एक ऐसा प्रयोजन शुरू किया जाए कि जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं वो लोग भी आकर के शहर के लिए कुछ करने के लिए सोचें। और किसी भी मूवमेंट का जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसकी पूजा होती है गणेश जी, तो इसलिए गणपति की पूजा से हमने सोचा कि इसको शुरुआत करी जाए और गणपति की पूजा भी थोड़ा अलग तरीके से की जाए। तो चूंकि मैं बॉम्बे में रहा तो मैंने सोचा कि थोड़ा बम्बई के तरीके से पूजा शुरू करते हैं, और बम्बई में मेरे बहुत दोस्त बने तो मैंने उन सबको आमंत्रित किया। मैंने कहा कि आप आइए मेरे गांव, मेरे घर, और वो देखिए जौनपुर देखिए, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। तो हनी सिंह जी को मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने तो अपने इतने पूरे करियर में कभी मैं आज तक गया ही नहीं, इनफैक्ट जौनपुर क्या मैं तो उधर नॉर्थ की तरफ गया ही नहीं,
तो मैंने कहा कि नहीं अब आप आइए, तो वो विशेष आग्रह पर आ रहे हैं, जो नौटियाल जी आ रहे हैं, जसबीर जस्सी जी आ रहे हैं, सुनील शेट्टी आ रहे हैं, श्रीकांत शिंदे जी हैं, अमृता फडणवीस जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने मेरे आमंत्रण पर अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पर आने का मेरा आमंत्रण स्वीकार किया है। तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी महान हस्तियाँ हमारे लिए आ रही हैं और हम सब लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, उनको अपना शहर दिखाना चाहिए, उनको अपनी जगह दिखाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। एक और अच्छी बात है कि बॉम्बे आज हमारे देश में फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर हमारे देश की, भारतवर्ष की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाए तो बॉम्बे है, और बॉम्बे में गणपति की पूजा होती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि वृद्धि सिद्धि और समृद्धि के जो दाता हैं वो गणपति हैं। तो जिस तरीके से उनकी पूजा होती है तो उस तरीके से हम भी करके देखते हैं क्या जाता है हमारा। तो उस तरीके से इस बार पूजा का आयोजन हुआ है, वैसे ही गणपति जी आएंगे और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के उनका स्वागत करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विशेष द्वार बनाए जाएंगे जिसमें सभी समाज के सभी लोग, कुछ व्यापारी संगठन के लोग होंगे, कुछ मीडिया बंधु होंगे, कुछ अधिवक्ता संघ के लोग होंगे, कुछ उसमें डॉक्टर संघ के लोग होंगे, शिक्षक संघ के लोग होंगे, शासन प्रशासन के लोग होंगे, मुस्लिम समाज के लोग होंगे, सिख समाज के लोग होंगे, क्रिश्चियन समाज के लोग होंगे, सब लोग मिलकर के, क्योंकि ये धर्म तो जो ये परंपरा है ये सबकी है। ये ऐसा नहीं है कि एक धर्म विशेष की है, गणपति तो अपना आशीर्वाद सबको देते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आशीर्वाद प्राप्त करें, गणपति का सुबह स्वागत करें गणपति जी का। फिर गणपति जी विराजमान होंगे, 19 तारीख को हम लोग ये करेंगे। 19 तारीख को गणपति जी के विराजमान के बाद एक पूजा होगी। पूजा होने के बाद संत शाम को एक म्यूजिकल इवनिंग का प्रयोजन किया है। 20 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक पूजा होगी। और जैसे हमने बताया कि ये सब लोग जो लोग स्वागत करेंगे, इन सब लोग अब चूंकि गणपति जी आ गए हैं तो गणपति जी के विराजमान होने के बाद इस सब लोगों की पूजा होगी। तो सभी समाज के लोग आएंगे, उन सबको आधे आधे घंटे का स्लॉट दिया जाएगा, वो सब लोग आकर के वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और शाम को उस दिन फिर 20 तारीख को फिर म्यूजिकल इवनिंग का प्रयोजन। 21 तारीख को भी ऐसे ही सुबह से शाम तक पूजा होगी और शाम को एक छोटी सी म्यूजिकल इवनिंग होगी, उस दिन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और उसके बाद फिर गणपति जी को हम लोग ले जाएंगे और फिर विसर्जन करेंगे। विसर्जन में भी मैं चाहता हूँ कि पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी लोग शामिल हों, सभी लोग अपना योगदान दें, आएँ। और मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस दिन हम गणपति जी को वहाँ से उठाएंगे, क्या स्थान है हमारा जहाँ उठा रहे हैं, पुलिस लाइन ग्राउंड से, तो पुलिस लाइन ग्राउंड से उठा रहे, तो पुलिस लाइन ग्राउंड में और भी छोटे छोटे गणपति होंगे, तो और भी लोग जो आकर के उठाना चाहते हैं वो लोग ले गणपति जी को वहाँ से ले जाएं, अपने घरों में ले जाएं। और हम लोग जो विसर्जन करने जा रहे हैं तो हमारे साथ फिर से यात्रा में शामिल हो जाएं, हमारे साथ में जा करके विसर्जन करें। तो इसमें क्या है कि पूरा समाज साथ में आएगा, सब लोग जुड़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी लोग जौनपुर के रहने वाले हैं, जो कहीं पर भी अन्य प्रदेशों में, देशों में, अन्य ज़िलों में जहाँ पर हैं, सबको मैं आप लोगों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आए और इस प्रयोजन में सब लोग साथ रहें, मिलजुल करके भाग लें। सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग आ रहे हैं हमारे बुलाने पर और हम लोग इतना बड़ा प्रयोजन कर रहे हैं। तो मुझे इतना ही कहना था। अब आप लोग के जो सवाल हों अगर तो मुझसे पूछें प्लीज। बहुत बहुत बड़े चेहरे आ रहे हैं। तो हनी सिंह जी हैं, जुबिन नौटियाल हैं, जसवीर जस्सी हैं, सुनील शेट्टी जी हैं, जायद खान हैं, अक्षरा सिंह हैं, अदा शर्मा हैं, रजत शर्मा जी हैं इंडिया टीवी के, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं, तो ये सभी लोग आ रहे हैं। नहीं नहीं, गणपति जी के यहाँ टिकट थोड़ी लगता है, वो भी गणपति जी का ही शो है। स्थानीय कलाकार भी हैं, हाँ स्थानीय कलाकार भी कुछ हैं, वो भी उन लोग